अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लैपटॉप रिपेयरिंग के चैनल में सब दोस्तों का खुश आमदीद। आज मेरे पास एक डेल का लैपटॉप है जिसकी मैं आज आप सब दोस्तों को बताऊंगा कि विंडोज 7 कैसे इंस्टॉल की जाती है। बूटेबल यूएसबी प्लग कीजिए। पावर का बटन प्रेस कीजिए और F12 प्रेस कीजिए। यूएसबी स्टोरेज डिवाइस पर एंटर कीजिए। विंडो इज लोडिंग फाइल्स। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉल नाउ। इसकी पहली सिस्टम रिजर्विंग पार्टीशन को डिलीट कीजिए। डिवाइस ऑप्शंस एडवांस पर क्लिक कीजिए। डिलीट कीजिए। नंबर 1 जो सी है ये वाली, ये मेरी सी पार्टीशन है, ये भी मेरा डाटा है, ये भी मेरा डाटा है। मैं ये वाली डिलीट करूँगा पार्टीशन, ये वाली। न्यू पर क्लिक कीजिए। 5000 50000 का मतलब है 50 GB ये मेरी सी पार्टीशन बनेगी, ठीक है। अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। ये अनलोकेट स्पेस आ रही है 0 नंबर। अभी ये एक पार्टीशन जन सी है लोकेट हो गई है। सेकंड पार्टीशन मेरी ये बनी है और इस पर मैं करूँगा नेक्स्ट तो मेरी विंडो स्टार्ट हो जाएगी होना। कॉपिंग विंडोज फाइल हो गई है, सेकंड वाली हो रही है।
यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालिए, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। मैसम नाम लिख दिया है मैंने अपना। नेक्स्ट कीजिए, पासवर्ड डालना है मैंने नहीं डालना, मैं नेक्स्ट करूँगा। आस्क मी लेटर पे क्लिक कीजिए, डेट और टाइम हम बाद में सही करेंगे। नेक्स्ट कीजिए, वाईफाई इसे हम स्किप कीजिए। विंडो इज़ फाइनलाइजिंग योर सेटिंग। ये लीजिए हम आ गए हैं वेलकम में और हमारी विंडो हो गई है। प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। एक दफ़ा लैपटॉप रिस्टार्ट हुआ है।